दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान की, 11x42। जी हाँ दोस्तों, 11x22। आपका मकान बनाने वाला हूँ मैं, ड्रीम हाउस न्यू होम डिजाइनिंग। आप देख सकते हैं ये प्लान कैसे आपको दिख रहा होगा। ये मॉडल ये पूरा बना है 11x11, इसका चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 11 फिट है। और अगर हम बात करें लंबाई की तो इसकी 22 फिट लंबाई में मकान बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रहा होगा, पूरा देख सकते हो आप। ये मैंने ट्रांसपेरेंट अभी बना रखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जो आप देख रहे होंगे ट्रांसपेरेंट है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो ओरिजिनल होम आपका दिखने वाला है ऐसा बिल्कुल सेम टू। अगल बगल आस पास आपके सभी घर बने होंगे, सामने से रोड है, आप देख सकते हो 11x22 में। तो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल को, देखिए ना बेहतरीन सा प्लान आपको दिख रहा होगा। अभी अंदर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कैसे क्या बनना है, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो बेहतरीन, क्योंकि जगह यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड है दोस्तों। 11x22 को ज्यादा जगह नहीं होती है, एक नॉर्मल सी जगह होती है, तो बहुत ही संभाल की चीजें बनानी पड़ी है। तो आप देख सकते हो ये मेन गेट है इसका, यहाँ पर एक मैंने विंडो दे रखा है। और जैसे आप मेन गेट से आते हैं तो यहाँ पर राउंडेड, यहाँ पे देख सकते हो स्टेयर्स लगी हैं, सीढ़ियां लगी हैं, राउंडेड में लगा रखी हैं दोस्तों। अगर आप सपोज दैट कुछ ऊपर सामान ले जाना चाहते हैं, बड़ा सा सामान, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है या तो आप गेट के बाहर से ले जाएं, या आप यहाँ पर एक बीच में जाल सा लगा सकते हैं। जब ये छत होगा इसमें जाल लगा सकते हैं, यही ऑप्शन है। या अगर आप वैसा लंबा सा जीना बनाएंगे तो क्या है, वहां पर जगह नहीं बचती है दोस्तों, इस वजह से ये बेस्ट रहेगा इस ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जगह नहीं है। अगर हम इसको चलो इसको बात कर, यहाँ पर आपका काफी जगह छूट पाएगा। ये 6 दोस्तों, यहाँ की चौड़ाई जो है 6 फिट है, और 10 मान लो 11 का ये टोटल है, तो 10 फिट अंदर बचेगा और 22 से 21 फिट टोटल अंदर बचेगा, ठीक है। तो ये 6 फिट चौड़ाई का है आपका दोस्तों, ये जो बीच में जगह पड़ी है 6 फिट और 5.5 फिट के अप्रोक्स है। तो यहाँ पर आपका ये 4 फिट में राउंडेड पूरा ऊपर चले जाए, 4 से 5 फिट में पूरा पहुंच जाएगा जीना, और अप्रोक्स 4 फिट में, और ये आपका 4-5 फिट बना रहेगा। आप यहाँ से मेन गेट से घुसेंगे और आप आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं इस वाले हॉल में। ये आपका हॉल है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो दोस्तों टॉयलेट बाथरूम आपको दिया है वो कम्बाइंड। ये आपका किचन है दोस्तों, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनाया है मैंने, बिल्कुल ये कम्बाइंड रहेगा दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं, इस वजह से इसी में आपका टॉयलेट, इसी में बाथरूम, और ये आपका सेपरेट किचन हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये अप्रोक्स 5 फिट चौड़ा है इसमें, 5 फिट, ठीक है। तो 5 फिट इधर हो गया और 5x5 के दोनों है, जिसमें टॉयलेट बाथरूम आपका कम्बाइंड रहेगा, और 5 फिट का 5 में पूरा आपका ये रहेगा, ठीक है। और ये पूरा हॉल आपका जो बचा, आप देख सकते हो 5 फिट इधर निकल गया, 5 फिट 10 इधर निकल गया, तो अप्रोक्स 10 फिट ही चौड़ाई इधर बीच में बचेगी। आप इसमें अपना यहाँ पे एक बेड देख सकते हो, यहाँ पे बेड पड़ा है और ये आपका सोफा पड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर की दोस्तों प्लानिंग होगी, अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। देखिएगा आप फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आएंगे, आप पहले मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने बालकनी दे दी है 2.5 फिट का, आप बालकनी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर गेट लगा है, यहाँ से बाहर आ सकते हो। अब जो स्टेयर्स थी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर बनती चली जाएगी, ठीक है, राउंडेड में। और आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो वो जो नीचे जाई थी यहाँ से आपका निकास हो जाएगा, आप इधर को आ सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक। अब इसी ऊपर स्टेयर्स और भी आपकी बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर एक बेडरूम बना दिया है बहुत बेहतरीन सा दोस्तों, ये अप्रोक्स आपका 7 से 8 फिट का बेडरूम है। लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई तो आपको पता ही, सॉरी चौड़ाई तो 10 फिट है, और लंबाई की बात करूं 8 फिट के अप्रोक्स बचता है, ठीक है। और ये आपका लगभग आपका 7 फिट ये बचता, तो 8, 7, 15 जी हो जाता है, और वही अप्रोक्स आपका 6 फिट ये आगे जो नीचे वाला बना था पोर्शन बिल्कुल सेम टू सेम बनता है। तो यहाँ पे 2 आपके रूम बन जाते हैं, एक पीछे से रूम। अब अगर हम बात करें इस रूम में जाने की, इस पीछे वाले रूम में, तो आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे डायरेक्टली आप इसी गैलरी में निकलेंगे, इस गैलरी से आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके बाद मैंने इस रूम में जाने के लिए यहाँ से एक पूरा दे दिया दरवाजा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर डोर लगा है और इसे एंटर कर सकते हैं। अगर आप आना है आपको इस बालकनी में या इस वाली जगह में, तो आप डायरेक्टली या तो यहाँ से निकल सकते हैं, या आप यहाँ से इस रूम से होते हुए इस डोर को ओपन करिएगा और आप यहाँ से आ सकते हैं। ये वाला डोर ओपन करके आप बालकनी में टहल सकते हैं, जो बेहतरीन से आपको बालकनी दिख रहा होगा। मैंने यहाँ खिड़की दे दी, हवा पास होती रहे इसमें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर एक ये खिड़की मैंने और दे दी है रूम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया होता है तो इसमें खुला खुला महसूस होगा। आप ये खिड़कियां, गेट की बात करें दोस्तों, तो ये गेट आप
बाहर की तरफ भी खोल सकते हैं, अंदर की तरफ भी खोल सकते हैं, ये आपका दोनों तरफ भी खोल सकता है गेट, और जैसा भी आप लगवाना चाहें, ये पूरा डिपेंड करता है आप पे दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड फ्लोर की बात करें अगर हम फर्स्ट फ्लोर की, अब बात करते हैं थर्ड फ्लोर पे। मैंने कुछ ज्यादा सेकंड फ्लोर पे मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया है, सेम टू सेम वही मॉडल है, ये आपका सीढ़ी आ जाएगा ऊपर तक और आसानी से ये आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सीढ़ी के लिए। और ये मैंने बाउंड्री दे रखी बाहर, और पीछे वही सेम टू सेम बेडरूम है, 8x10x8 का जो भी आपका स्पेस बचेगा। तो ये आपका पूरा मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम बिल्कुल टॉप फ्लोर की बात करें तो ये मैंने बस बंद कर दिया नॉर्मल से, अगर इसके ऊपर आप यहाँ पे पानी की टंकी रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, या कुछ भी आप रख सकते हैं। इसमें जाने के लिए आप लेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोहे की लेडर आती है आयरन की, वो आप लगा के आराम से ऊपर इन दोनों में जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा मॉडल 11x22 आपको बेहतरीन से काफी ठीक ठाक मॉडल बनाया है, क्योंकि जगह दोस्तों कम होने के कारण मॉडल बहुत बेहतरीन है मेरे हिसाब से। अब आप पे डिपेंड करता है सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर हम दीवारों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप पिलर देकर ही बनवाए, लमसम 5 इंच या 2.5 इंच का ही दीवार, ये 5 इंच बाहर का 5 इंच कर दें, अंदर तो आप 2.5 इंच का ही रखें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जगह कम होने के कारण बेहतरीन सा, लेकिन आपके लुक बहुत ही बेहतरीन बना आप देख सकते हो। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों तो पूरा मॉडल आपको एक साथ दिखता है, देखिए मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ अप्रोक्स इतना, तो आप देख सकते हो पूरा मॉडल आपको कैसे बेहतरीन सा दिख रहा है, सारे फ्लोर दिख रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, दीवारें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। तो आपका वही देखिए यहाँ पे नीचे सेम टू सेम रहेगा और ऊपर आपके दो रूम निकल आएंगे और बेहतरीन सा एक ऊपर रूम आपका हो सकता है, और बाहर काफी सारी जगह पड़ी रहेगी। पूरा प्लान आपका बेहतरीन प्लान है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं लगातार ऐसे प्लान और लाऊं, आपके लिए ऐसे वीडियो और लाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों टेक न्यू टेक को, और जिससे आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे दोस्तों। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मैं एक बहुत ही जल्द वेबसाइट बनाने वाला हूं, अगर आप चाहें कि इनका 2D मॉडल, ये तो 3D में, अगर चाहें कि 2D मॉडल भी मुझे मिले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये 2D मॉडल आपको यहां पूरा दिख जाता है, देख सकते हो, और इसमें भी मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें विद स्क्रीनशॉट, मैं वहां पर दे दूंगा, मैं एक वेबसाइट डेवलप कर दूंगा आप लोगों के लिए, वहां पर आपको विद प्लानिंग के साथ ही मिल जाएगा जो भी सिस्टम है। अगर आप चाहते होंगे कमेंट करके बताएं हाँ सर मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो सारे मॉडल वहां से आप डाउनलोड करके आराम से बना सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और ये मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं।